कांची नदी स्थित हराडी बुढ़ाडी के ध्वस्त पुल की परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जहां इस पुल के ध्वस्त होने की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, वहीं ग्राम्य अभियंत्रण संगठन विभाग की टीमें ने धंसे पुल का निरीक्षण किया। देर शाम तक सरकार ने विभागीय सचिव आराधना पटनायक का तबादला कर दिया। ये ग्रामीण विकास और आरईओ की सचिव थी, यानी विभाग के हित पहले ही हटा दिए गए। पुल के ध्वस्त होने के बाद सभी चैनल में प्रमुखता से खबर चली थी। खबर का असर यह हुआ कि पुल ध्वस्त होने के एक दिन बाद ही जांच के ग्रामीण विकास विभाग के अधीक्षण अभियंता को भेजा गया। जैसे ही ग्रामीण विकास विभाग के अधीक्षण अभियंता हराडी बुढ़ाडी पुल पहुंचे, इससे पहले उस स्थानीय ग्रामीण पुल की अनियमितता को लेकर और संवेदक की बर्खास्तगी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ग्रामीण अपने अपने हाथों में संवेदक की बर्खास्तगी के लिए पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि जिस संवेदक के द्वारा पुल का निर्माण किया गया है, उसके द्वारा पूर्व निर्मित पुल भी ध्वस्त हो चुके हैं। अब तक पंचर पगनिया इलाके में 3 पुल अनियमितता की भेंट चढ़ गई। झारखंड सरकार द्वारा पुल ध्वस्त होने के तुरंत बाद जांच के आदेश के बाद कई इंजीनियर ध्वस्त पुल का निरीक्षण करने पहुंचे और सभी एंगल से पुल निर्माण की फोटोग्राफी भी की। और बालू भी आप लोग देख रहे हैं, काफी उठाव सब हो रहा है। ये सब चीजों को देख के हम लोग एक कमेटी बनी है मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में, उसको हम लोग आकलन कर उसका फाइनल विवरण विभाग को समर्पित करें। इसके बारे में हम लोग देखें, इसका विस्तृत ब्यौरा देके और कोशिश कर, ठेकेदार को अपनी खर्चा से ही बनाना पड़ेगा। हर स्थिति में ठेकेदार को अपने ही खर्चा पर बनाना होगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे। विभाग का एक पैसा उसमें खर्चा न हो, ठेकेदार ने ठेकेदार पर कार्रवाई की जाए। अच्छा लगा था इसी के कारण, बारिश था बहुत ज़्यादा। जो पुल है ना, ये हम लोग का पांच परगना का एक लाइफलाइन रोड है, लेकिन ये पुल 3 साल भी बन के नहीं हुआ है और आज पुल धस गया है। कहीं ना कहीं जो भी अभियंता और ठेकेदार है वो काम में अनियमितता बरती गई है और ये पुल आज विधिवत उद्घाटन भी नहीं हुआ और पूरा पुल धस गया है। लगातार इस क्षेत्र में इस तरह का पुल धसते नज़र आ रही है, इससे पहले भी 2-2 पुल धस गए हैं, क्या करना है इसमें? एकदम देखिए, हम लोग का जो 10 किलोमीटर का सर्कल है, इसमें इससे पहले भी 2 पुलें धस चुकी है। एक है बम्बलाडी पुल और एक हारेन बांकू की पुल, और ये अभी 3रा पुल धरा है। और कहीं ना कहीं ये जो तीनों पुल का जो बनाई गई वो एक ही ठेकेदार बनाया है, तो कहीं ना कहीं ये काम अनियमितता बरती गई है और सरकारी पैसा का लिपापोती हुई है। उसी को हम लोग चाहते हैं कि इस पुल का गिरने का उच्च स्तरीय जाँच हो और जो भी दोषी यहाँ का संवेदक और अभियंता है। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे, शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।